नमस्कार। ए लेटर टू गॉड लैंको की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जो अपनी फसल बर्बाद हो जाने पर भगवान के लिए पत्र लिखता है, यानी कि भगवान को पत्र लिखता है। उसके बाद क्या होता है, आइए जानिए, सुनते हैं पूरी स्टोरी में। लैंको का मकान एक घाटी में एकमात्र मकान था और वह पहाड़ी पर बना हुआ था। इस ऊंचाई से उसके सारे अनाज के खेत दिखाई देते थे और खेतों को देख करके ये लगता था कि अब की बार फसल अच्छी होनी चाहिए। बस धरती को मूसलाधार बारिश की ज़रूरत थी, यानी कि थोड़ी बारिश हो जाए तो अच्छी फसल हो। लैंको अपने खेतों को देख रहा था और उसकी पत्नी खाना बना रही थी। दोनों ही आशा से बात करते हैं कि अब की बार फसल अच्छी होगी। उसकी पत्नी खाना खाने के लिए सभी को बुलाती है और तभी बारिश शुरू हो जाती है। बड़े बड़े पहाड़ बादल जैसे नज़र आने लग जाते हैं और ताज़ा हवा चलने लग जाती है। लैंको बाहर गया ताकि बारिश का अनुभव कर सके और बारिश का आनंद ले सके। अब उसे बारिश की बूंदें सिक्कों के समान नज़र आ रही थी, यानी कि बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी और उसे कुछ नोट पैसे मिलेंगे। ये छोटे सिक्के उसे, छोटी बूंदें उसे सिक्कों के जैसे दिखाई दे रही थी। लेकिन बरसात ने ओलों का रूप धारण कर लिया। उसने सोचा कि ओले जल्दी रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरे एक घंटे तक ओले बाग बगीचे में, अनाज के खेतों में और घाटी में गिरते रहे। खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, जैसे नमक होता है। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। सभी पौधे, फूल सब झड़कर नष्ट हो गए थे और यह सब देख करके लैंको की आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। जब लैंको दुखी हो जाता है, तूफान चला जाता है, तो अपने बेटे से कहता है कि टिड्डियों की महामारी भी फैलती है तो इतनी बुरी नहीं होती है, और आज उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई थी, उनकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं था, तो उन्हें ये लगा कि इस साल वो भूखे रहेंगे। लेकिन उन्हें भगवान से एक आशा थी। लैंको पूरी रात बैठ कर के ये सोचता है कि भगवान से उसे कोई सहायता मिल जाएगी। हालांकि वो बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, खेतों में काम करता था, पशु की तरह काम करता था, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना उसे आता था। तो उसने रविवार के दिन सुबह उठ कर के एक पत्र लिखना शुरू किया, जो शहर जा कर के वह पोस्ट करना चाहता था। लिफाफे पर उसने लिखा भगवान को और पत्र उसके अंदर रख दिया। अब उसे ये दुविधा हो रही थी कि वह शहर की ओर जाना चाहिए उसे, तो उसने डाकखाने में जा कर के टिकट लगाई और बॉक्स में उसको पत्र को डाल दिया। कर्मचारियों में से एक आदमी जो कि एक डाकिया था और डाकखाने के कामों में मदद किया था, वह उस पत्र को देख कर के बहुत ज़ोर से हंसा और सभी को उसने बताया कि भगवान के नाम कोई पत्र आया है। पोस्ट मास्टर ने भी ऐसा पत्र कभी भी नहीं देखा था, तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और उसके गहरे विश्वास पर सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था। पत्र लिखने वाले की भगवान में आस्था कम ना हो जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर जी को एक उपाय नज़र आया कि इस पत्र का जवाब देते हैं। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, कुछ हिस्सा अपने वेतन में से दिया, यानी तनख्वाह में से दिया, सैलरी में से दिया, और इकट्ठा करके कुछ पैसे उसने जो जवाब देने के लिए पत्र लिखा था उसमें रख दिए। लैंको ने 100 पेसो मांगे थे, लेकिन 100 इकट्ठा करना संभव नहीं था। पेसोज यहाँ पर एक मुद्रा है जो इकट्ठा नहीं कर पाया हो, तो इसलिए उसके पास आधे से ज़्यादा कुछ पैसे इकट्ठे हुए। लैंको का उसने पता लिख दिया और उसमें पत्र भी रख दिया, इस पर यह लिख दिया कि भगवान जो हस्ताक्षर के रूप में था,
गॉड लिख दिया सिग्नेचर के रूप में। अगले रविवार को लैंको हमेशा की तरह अपने लेटर के बारे में पूछने गया कि क्या भगवान का कोई जवाब आया। तो उसे फिर डाकिया एक पत्र देता है और पोस्टमास्टर अपने कार्यालय के दरवाजे से झांक रहा था और देखना चाहता था कि उसने कितना भलाई का काम किया है। पैसे देखकर लैंको को बिल्कुल भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा विश्वास था और उसको इतना अधिक विश्वास था कि उसने पैसे जब कम देखे तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता। लैंको ने तो 100 रुपये मांगे थे, 100 पेसोस मांगे थे, तो भगवान ने ये क्या कर दिया कि उसे पैसे कम दिए। जल्दी ही लैंको खिड़की पर कागज और स्याही लेने गया और वह लिखने की मेज पर लिखना शुरू कर दिया उसने, और बड़े गुस्से में वो लिख रहा था। और खिड़की पर टिकट खरीदने गया, फिर उसे जीभ से गीला किया लिफाफे को और मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया। जो ही पत्र डाक में गिरा, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए चल दिया। पत्र में उसने क्या लिखा था? पत्र में उसने यह लिखा था कि हे भगवान, जितने पैसे मैंने मांगे उसमें से केवल 70 पीसोज ही मुझ तक पहुँचे हैं। मुझे बाकी के पैसे भी भेजो, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन इस डाक से मुझे मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारियों की जो टोली है वो ठगों की एक टोली है। और लैंको अब उसने क्या लिखा कि हे भगवान, तुम इस पत्र इस डाकघर से मुझे पैसे मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जो काम करते हैं वो ठगों की एक टोली है। इस प्रकार लैंको का जो भगवान पर विश्वास है वह इस कहानी में दिखाया गया है।